Aslam alaikum dear students, I am Anjam Shafiq, your biology teacher for grade 10, and today we are going to discuss the subdivisions of peripheral nervous system. So, dear students, divisions of peripheral nervous system. सो so, पेरीफ्रल इसको क्यों कहते हैं डियर स्टूडेंट्स बिकॉज इट इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी सो दो मेजर डिविजन हैं यहां पर दो तरह के पाथवेज बनेंगे पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम के जरिए द सेंसरी पाथवेज एंड द मोटर पाथवेजरी का मतलब तो आपको क्लियर कट हो चुका होगा सेंसरी इज रिलेटेड टू रिसीविंग इंपल्सिस फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड सेंडिंग टूअर्ड्स द सी एन एस और पाथवे पाथवे मतलब वो रस्ता जिसके जरिए यह इंफॉर्मेशन ट्रेवल करेगी पेरिफल नर्वस सिस्टम से क्लियर स्टूडेंट्स सो so, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं कि सेंसरी पाथवेज दे कैरी इम्पल्सिस हम बार बार ये इंपल्स इम्पल्स इंपल्स का वर्ड यूज कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर इसलिए मैंने शुरू में इसको डिफाइन कर दिया था और उसको आपको क्लियर कर समझा दिया था कि व्हाट इज इंपल्स इंपल्स का मतलब यहां पर नर्व इंपल्स है और नर्व इंपल्स को डियर स्टूडेंट्स हमने किस तरह से डिफाइन किया था दैट इट इज अ वेव ऑफ एलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलॉन्ग देंथ ऑफ न्यूरोन्स यस टीय स्टूडेंट्स तो इसको याद रखना है यह शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू सभी इंपॉर्टेंट है और क्योंकि बार बार इस्तेमाल हो रही है सो इट इज़ इलेक्ट्रोकेमिकल वेव एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता चलो टीय स्टूडेंट्स ब्रेन के हवाले से चूँकि हम ब्रेन को डिस्कस कर रहे हैं हम अपने नर्वस सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं तो ब्रेन के अंदर Uh, जितनी इलेक्ट्रिकिटी मौजूद है जितनी इसके अंदर बिजली मौजूद है क्योंकि टोटली ब्रेन जो है ये इलेक्ट्रिकल वेव्स के जरिए काम कर रहा है इससे 25 वॉट का जो बल्ब है वो आसानी से रोशन किया जा सकता है जितना करंट दौड़ रहा है हमारे ब्रेन के अंदर सो इट वॉज़ एन इंटरेस्टिंग फैक्ट सो कैरी द सेंसरी पाथवेज द कैरी इम्पल्सिस फ्रॉम Receptors towards the CNS. Yes, dear students. Or receptors, dear students. You understood it in detail. Ke aapko tha. Receptors. These are the organs or tissues or cells which are ab able to detect the changes in the environment. Yes, my dear students. तो चेंजेस इन द एनवायरमेंट क्या कहा था दैट इज़ द स्टेबुलस वो चेंजेस इंटरनल एनवायरमेंट में भी हो सकती हैं वो चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरमेंट में भी हो सकती हैं तो उनको डिटेक्ट करने के लिए जो ऑर्गन या वो टिश्यू या वो सेल जो अल्लाह ताला ने हमें नवाजा उसको हम कहते हैं रिसेप्टर उसने उस स्टिमुलस को रिसीव किया और फिर ये कनेक्टेड होता है टू द सेंसरी न्यूरॉन्स और सेंसरी नर्व्स इस सेंसरी पाथवे के जरिए होता हुआ पेरीफल नर्वस सिस्टम से होता हुआ इट मोस्ट वर्स अल्टीमेटली सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसका एक ही रास्ता एक ही पाथवे है इसका एक ही मोटिव है जबकि मोटर पाथवेज स्टूडेंट्स यहाँ पर दो तरह के रूट बनाएंगे मोटर पाथवेज तो पहले मोटर पाथवे को हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं द मोटर पाथवेज कैरी impulses or nerve impulses from CNS yani ki central nervous system yani ki brain and spinal cord towards effectors towards the effectors our dear students effectors bhi bar bar ये वर्ड इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर हम इसीलिए शुरू में इसको details से discuss कर चुके थे आपको जस्ट एक बार फिर रिमाइंड करवाता चलूँ इफेक्टर्स ऐसे ऑर्गन्स ऐसे टिश्यूज या ऐसे सेल्स को कहा जाता है जो इंफॉर्मेशन रिसीव करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और फिर एक्शन परफॉर्म करें और इनका किया हुआ एक्शन क्या कहलाता है डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा दैट इज कॉल्ड एज द रेस्पांस और रेस्पॉन्स ये कौन से नंबर पर था इन अ कोऑर्डिनेटेड एक्शन यस डियर स्टूडेंट्स इन द फिफ्थ number clear so num number 1 was stimulus number 2 receptor number 3 the coordinator number 4 the effectors and number 5 the response so they will carry impulses from cns towards the effectors or in ke examples catheter instruments effectors may the chief examples hai, they are the muscles and सो so, आगे चलते हैं तो मोटर पाथवे पे दो तरह के रूट्स बनने वाले हैं ये इंटरेस्टिंग फैक्ट फैक्ट्र स्टूडेंट्स यहां पर एक और बात बताता चलूं कि जो मोटर पाथवेस हैं यहां पर दो रूट्स निकाल रहे हैं एक रूट हमारे विल पावर में है जिसको हम अपनी मर्जी से चला सकते हैं अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं जबकि जो दूसरा रूट है वो हमारे वॉलन्ट्री कंट्रोल में नहीं है जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में है उसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और जो हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं है डियर स्टूडेंट्स उसे हम कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सोमैटिक इज फ्रॉम सोमा एंड सोमा मीन्स बॉडी ये जो नर्वस सिस्टम है मोटर पाथवे का जो रूट है या जो मोथर मोटर पाथवे ने जो सिस्टम बनाया है this is under the control of यानी कि ये हमारे hamare में है और aur हमारे hamare में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है hai students अपना प्रीवियस नॉलेज इस्तेमाल कर रहे हैं हम बार बार इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में जो कि हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं विच इज अंडर द विल स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपको याद आ गया होगा दैट इज वन एंड ओनली द स्केलेटल मसल्स यानी कि कॉन्शियस कंट्रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स हमारे जो जितने भी स्केलेटल मसल्स हैं यानी वो मसल्स जो हमारे स्केलेटन के साथ अटैच हैं हमारे ढांचे के साथ अटैच हैं उन मसल्स को हम कहते हैं स्केलेटल मसल्स जैसे कि मेरे ये आम के या फोर आम के या हैंड के मसल्स या मेरे जॉ मसल्स या मेरे लेग के मसल्स या थाई के मसल्स या फुट के मसल्स या फिर डायफ्राम जिसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं या इंटरकोस्टल मसल्स ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्केलेटल मसल्स इनको हम अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं अपनी मर्जी से रिलैक्स करवा सकते हैं लेट्स हैव एन एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अपनी बाजू को एक्सटेंड करना है तो मैं इसको इस तरह से अपनी मर्जी से कर सकता हूँ इसको अगर मैंने फ्लैक्स करना है तो उसको मैं अपनी मर्जी से अंदर की तरफ मोड़ सकता हूँ वो वाला नर्वस सिस्टम जो मोटर पाथवे से आ रहा है जो हमारे कंट्रोल में है वो कहलाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और वो नर्वस सिस्टम किन किस स्ट्रक्चर को सप्लाई कर रहा है दैट इज़ वन एंड ऑनली द स्केलेटल मसल्स इसी तरह से डी स्टूडेंट्स द ऑटोनिक नर्वस सिस्टम ऑटो मीनस सेल्फ तो ये वाला जो नर्वस सिस्टम है जो मोटर पाथवे से आ रहा है यानी काम इसका वही है मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर और जाना टूवर्ड्स द इफेक्टर है लेकिन इन सिस्टम्स के जरिए सो डी स्टूडेंट्स ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये हमारी कोई बात नहीं सुनता मीन्स कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है इसके लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल करूंगा दैट इज दिस सिस्टम इज इन वॉलेंट्री सो जी स्टूडेंट्स थोड़ा सा अपने ब्रेन पे जोर लगाएं और बत, सोचें कि कौन सा स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में ऐसा है जो कि इन वॉलेंट्री है जिसको हम कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते सो so आपको याद आ गया होगा प्रीवियस गेट में आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर फोर में इसके अंदर एनिमल टिश्यूज के अंदर के स्केलेटल मसल्स दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर वेल वाइल मीन्स के ये हमारे वलन्ट्री कंट्रोल में हैं जबकि दो तरह के मसल्स थे जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं थे और वो कौन कौन से थे डिस्टोरेंट्स नंबर वन द कार्डियक मसल्स सो कार्डिक मसल्स किसको सप्लाई करें डेस्टोडेंट्स ये किसके अंदर मौजूद हैं सो देअर प्रजेंट इन दॉल ऑफ हार्ट हमारे दिल के अंदर जो मसल्स मौजूद होते हैं जिसके ऊपर हमारा दिल मुश्तमिल होता है हमारा हार्ट जिसके ऊपर कंपोज है दैट इज द कार्डिक मसल्स और डे स्टूडेंट्स ये मसल्स हार्ट में कहाँ पर हैं कौन सी लेयर में हैं यह भी आप पढ़ के आ चुके हो यहाँ पर जस्ट आपका नॉलेज को रिवाइज करवाता चलूँ कि कार्डिक मसल्स दे आर इन इन मायोकार्डियम। आपको याद होगा कि हार्ट की तीन मेजर लेयर्स थी एपिकार्डियम मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम सो मायो का मतलब ही मसल है याद रखिएगा आगे चलकर भी ये चीज़ें काम आएंगी मायो मीन्स मसल जहाँ पर भी मायो का वर्ड आएगा इट मीन्स मसल तो so, मायोकार्डियम मतलब के हार्ट की वो वाली लेयर जिसमें मसल्स होंगे वहां पर ये और दूसरा कौन सा इनवॉलेंट्री स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट्स दैट वॉज द स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स कहां कहां पर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स जरा रिवाइज करें नंबर वन दे आर प्रेजेंट इन ट्रेकिया दे आर प्रेजेंट इन द ब्रोंकस दे आर प्रेजेंट इन द ब्रोंक्यूल्स दे आर प्रेजेंट इन दूरिटर्स दे आर प्रेजेंट इन यूरिनरी प्लेटर they are present in the esophagus then in the stomach then in the small intestine small intestine ke parts duodenum jejunum ileum fir large intestine large intestine the baki sare appendix then colon colon further parts the uh, ascending colon then transverse colon then descending colon then the rectum and anus so students they are also present in the ब्लड वेसल्स याद आया आपको कि जो इंटरमीडिएट जो लेयर थी मिडल लेयर जो थी ब्लड वेसल्स की उसके अंदर ये स्मूथ मसल्स मौजूद होती हैं तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है सो दे विल आल्सो कम अंडर द हैडिंग ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इसके अलावा एक और स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट जो कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है दैट इज़ द ग्लैंड यस माई डियर स्टूडेंट्स ग्लैंड्स दोनों तरह के ग्लैंड्स आपने पढ़े हैं एक एंडोक्राइन एज वेल एज द एक्सोक्राइन इसके हवाले से मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुका हूं एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये डक्ट लेस ग्लैंड्स हैं जो कि अपनी सक्रीशंस यानी कि हॉर्मोन्स को डायरेक्टली पोर करते हैं ब्लड के अंदर और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स ये डक्ट कंटेनिंग हैं और ये अपनी जो सक्रीशंस होती हैं आमतौर पर जो कि एन्जाइम्स या जूसिस की शक्ल में होते हैं ये पोर करते हैं सो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों ही हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं हैं सो डियर स्टूडेंट्स ये तीन तरह के मेजर स्ट्रक्चर्स जो कि इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में मौजूद हैं सो डियर स्टूडेंट्स अब हम बात करने लगे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की फर्दर सब डिवीजन के हवाले से सो आवर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम Is further divided into two types of nervous system. The one is called as sympathetic nervous system, and the other one is called parasympathetic. नर्वस सिस्टम सो दीज आर द टू सब डिविजन्स ऑफ ऑटोनिक नर्वस सिस्टम जो कि ऐसे स्ट्रक्चर्स को नर्व सप्लाई दे रहा था या ऐसे स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर रहा था जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते मीन्स दे आर इन वॉल्ट्री सो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत मज़े का सिस्टम स्टूडेंट्स आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा दिस सिस्टम इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशंस इमरजेंसी सिचुएशंस इसी वजह से इसको कहा जाता है द फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स यानी झगड़ते हुए या किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जब हमारी जो हालत होती है वो दैट इज बिकॉज ऑफ दिस नर्वस सिस्टम दैट वेरी टाइप ऑफ ऑटोनिक नर्वस सिस्टम सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम डे स्टूडेंट्स आप जरा अपने आप को ज़रा इमेजिन करें कि आप किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में सपोज के आप भाग रहे हैं आपके पीछे कोई डॉग्स लग गए या आपके पीछे कोई दुश्मन भाग रहा है आप आगे आगे भाग रहे हैं आप इस इस कंडीशन को हम कहेंगे इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी कंडीशन में क्या होगा डे स्टूडेंट्स आपने कभी नोट किया आपने डेफिनेटली इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा ये उस वक्त हमारा जो हार्ट रेट है इज इंक्रीज हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है जब जा हम भाग रहे होते हैं हमारे नॉर्मली हमारा हार्ट रेट 70 टू 80 बीट्स पर मिनट है लेकिन भागते हुए ये 80 क्रॉस कर जाता है 90 एंड समाइम 100 एंड समाइम अबव 100 भी चला जाता है तो इसको हार्ट रेट को बढ़ाने में उस एमरजेंसी सिचुएशन में किसका रोल है द सेमपथिक नर्वस सिस्टम इसी तरह से भागते हुए ऐसा तो नहीं है कि हमारा हार्ट रेट बड़ा हो और, और हमारा रेस्पिरेटरी रेट नॉर्मल हो नॉट no स्टूडेंट्स तो उस वक्त हमें जो रेस्पिरेटरी रेट है वो भी इंक्रीज हो जाता है सो इट ऑल्सो इंक्रीज द रेस्पायरेटरी रेट सो रेस्पायरेटरी रेट इज इंक्रीज्ड ऐसी सिचुएशन के अंदर इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या भाग रहे हैं या इवन कि आपने एक्सपीरियंस किया हो आप सोए हुए थे गहरी नींद अचानक से आपने कोई ड्रोना ख्वाब देखा और ड्रोना ख्वाब दे के एकदम से उठ गए जब हम एकदम से उठते हैं तो उस वक्त हमारे दिल की धड़कन तेज़ हुई हो होती है हम तेज़ तेज़ सांस ले रहे होते हैं यानी कि रस रेट रे इंक्रीज़ हुआ होता है हार्ट रेट इंक्रीज़ हुआ होता है और हमारा गला खुश हुआ होता है और हमारी आंखें ऐसे खुली होती हैं खौफ के मारे सो उसी तरह से जे स्टूडेंट्स इसका आइस पे क्या इफेक्ट होगा इट विल कॉज इट कॉजेस द डायलेशन ऑफ प्यूपिल सो स्टूडेंट ये प्यूपिल क्या है इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ हम स्टडी करने वाले हैं द स्ट्रक्चर ऑफ आई उसमें हम देखेंगे प्यूपिल ये बेसिकली जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं मिरर के सामने तो आइस के अंदर एक इस तरह से ब्लैक स्पॉट सा नजर आ रहा होता है और स्पॉट के अंदर एक छोटा सा सुराख है इस सुराख को हम कहते हैं प्योपल सपोज दिस इज़ आवर आई ये हमारा वो डार्क स्ट्रक्चर जिसकी वजह से हमारे आई कलर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और उसके बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा सुराख होता है उसे कहते हैं प्योपल इसका फंक्शन क्या होगा आगे चलकर कर डिटेल से डिस्कस करेंगे तो उस वक्त हमारे प्यपल्स डायलेट हो जाते हैं यानी कि इसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज कर जाएगा दैट इज़ ऑल्सो ड्यू टू द एक्शन ऑफ दिस सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और काम होगा इस दौरान जब आप एमरजेंसी में हैं सो देर इज़ नो नीड ऑफ आप डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिवेट रखें मतलब डाइजेशन जो है ये हमारे पास सेकेंडरी ऑप्शन में चला जाएगा इस सूरत में सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा इट इन्हीबिट्स डाइजेशन यानी डाइजेशन को ये रोक देगा इन्हेबिट का मतलब रोक देना क्योंकि एमरजेंसी सिचुएशन है ज़्यादा खून की सप्लाई कहाँ पर चाहिए ज़्यादा ब्लड सप्लाई कहाँ पर चाहिए जो बॉडी के पार्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको चाहिए सो इस वजह से डाइजेशन जो है वो थोड़ी देर के लिए वक्ती तौर पर उस साइड पर जो ब्लड सप्लाई है उसको रोक दिया जाएगा या फिर कम कर दिया जाएगा इसके कॉन्ट्ररी में अगर हम बात करें पैरा सिम्पथेटिक पैरा का मतलब है पैरल यानी कि जो सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स हैं और पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम के फाइबर्स ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरल चल रहे हैं और हर ऑर्गन के अंदर जहाँ सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम का फाइबर जाएगा वहीं पर पैरासिम्पथेटिक का भी जाएगा अब पैरासिम्पथैटिक इसे कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट इस सिस्टम का नाम है रेस्ट एंड यानी कि ये सिस्टम हमारा आम तौर पर उस वक्त एक्टिवेट होता है जब हम आ, बिल्कुल आ, रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं लेकिन यहाँ पर इसका जो मेजर रोल है जो अल्लाह ताला ने इसको बनाया हमारे लिए वो ये है कि जब वो इमरजेंसी सिचुएशन ख़त्म हो गई जिस भी तरह जिस भी नौयत की एमरजेंसी सिचुएशन थी सो व्हेन द एमरजेंसी सिचुएशन is over the parasympathetic nervous system इसकी अब क्या जॉब है जो सिंपथेटिक ने किया था अब उसी को वापस नॉर्मल करना है किस तरह से डियर स्टूडेंट्स वहां पर डाइजेशन इनहिबिट हुई थी तो ये प्रोमोट करेगा इट प्रोमोट्स डाइजेशन इसी तरह से यहां पर जो प्यूपल हैं यानी कि जो आंख के अंदर जो सुराख होता है हमारे वो डायलेट uh, हुआ था उसका साइज इंक्रीज हुआ था यहां पर इसके ऑपोजिट के करेगा उसको वापस इट कंस्ट्रिक्ट Constrict का मतलब होता है सुखड़ जाना मीन्स कि इसका डायमीटर कम हो जाना सो इट कंस्ट्रिक्ट्स पिल नंबर थ्री सपथाटा कनावर सिस्टम ने क्या किया था कि हमें उस इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे हार्ट रेट को बढ़ा दिया था तो ये क्या करेगा इट विल लो लोअर द हार्ट रेट टू नॉर्मल लोअर द हार्ट रेट का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा नॉर्मल हार्ट रेट था उससे कम कर दिया नोट नोटियस स्टूडेंट्स ये इसका काम नहीं है जो हार्ट रेट ओवर हो चुका था मतलब आपका नॉर्मल हार्ट रेट है सेवेंटी टू एटी सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ने उसको कर दिया था नाइन्टी टू हंड्रेड तो जब वो सिचुएशन ओवर हो चुकी है अब उसको वापस नीचे लेके आना है टू नॉर्मल यानी कि सेवेंटी से एट्टी की रेंज में वापस लेके आना एंड नंबर फोर सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम ने क्या किया था रेस्पायरेटरी रेट को इनक्रीज़ कर दिया था तो ऐसी सिचुएशन में जब वो सिचुएशन ओवर हो गई तो देन द पैरासिम्थेटिक नर्वस सिस्टम इट ऑल्सो लोअर्स द रेस्पायरेटरी रेट टू नॉर्मल ये बात आपने साथ में लाजमी याद रखनी है कि लोअर कहाँ पे कर रहा है नॉर्मल यहाँ पर लोअर का मतलब ये नहीं है कि वो नॉर्मल से नीचे लेके जाएगा इसको जो हाई हो चुका था सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम वैन द सिचुएशन इज़ ओवर उसको नॉर्मल पे लेके आएगा सो डियर स्टूडेंट्स दैट वॉज ऑल अबाउट द पेरेफल नर्वस सिस्टम यहाँ पर आ, जो आ, दो चीज़ें याद रखनी है कि सेंसरी पाथवे सिर्फ एक ही रूट बनाएगा मोटर पाथवे दो रूट्स बनाएंगे एक हमारे कंट्रोल में है एक हमारे कंट्रोल में नहीं है जो हमारे कंट्रोल में है उससे हम कहते हैं सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसे हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हार्ट को स्मूथ मसल्स को और ग्लैंड्स को सप्लाई करेगा और इसकी आगे दो मेन डिविजन्स हैं सिंपथैटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपथैटिक ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन काम करने वाला है और जब उस एमरजेंसी सिचुएशन ओवर हो गई तो अब उसको वापस जो जो कुछ ओवर हुआ था उसको नॉर्मलाइज करने के लिए पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा सो जी स्टूडेंट्स आपने देखा कि जब हम किसी परेशानी की हालत में होते हैं या एमरजेंसी सिचुएशन में होते हैं तो किस तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे काम आता है सो जी स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा मिलते हैं कल अंटिल देन अल्लाह हाफिज